बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं आज आपकी साड़ी में। अगर आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन, क्या कहना चाहोगे इससे लुक डिजाइनर साड़ी के बारे में कुछ बताइए। बड़ा अच्छा लग रहा है आज। मैं पहली बार आ रही हूँ आइटम। ओके, टेलीविजन के सभी सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुँचते हैं, टॉप टॉप जो सेलिब्रिटीज होते हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या कहना चाहोगे, हर चैनल के अवार्ड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर सभी के एक साथ मंच, कितना खुशी होती है। मतलब हर कोई सेलिब्रिटी यहाँ मिलते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी बन जाओ, आपके लिए हमेशा कोई एक ऊपर होता है जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप देखना चाहते हो। तो वी आर हियर टू सी ऑल द सेलिब्रिटीज। आई होप आई गेट टू सी मेनी ऑफ देम। ओके मैम, आप क्या कहना चाहोगे? तो हम अलग अलग सेट पे काम जरूर करते हैं, बट मुझे लगता है हम एक बिग फैमिली का पार्ट है। इंडियन टेलीविजन अवार्ड में इंडियन टेलीविजन की जो फ्रेटर्निटी है वो एक बहुत बड़ी फैमिली है, और आज हम सब एक साथ एक रात बिता रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आया आपको मिलने में। ओके, बिग बॉस कितना देख रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं आप लोग बिग बॉस? मैम हाँ बताइए ना मैम, कितना आप बिग बॉस देख रहे हैं आप लोग? मतलब किनको आप सपोर्ट कर रहे हैं कुछ अगर आप बता सके? लेकिन ना दोनों में टक्कर बहुत काफी होती है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे दोनों की पर्सनालिटी अपनी जगह बहुत अच्छी लगती है। प्रियंका मुझे अपनी जगह अच्छी लगती है, सही लगती है। शिव मुझे अपनी जगह सही लगता है। और अर्चना के बारे में काफी लोग बात करते हैं सोशल मीडिया में, आप कैसे देखते हैं अर्चना? काफी मुफ्त है लोगों के मुंह में। ओके, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको कौन लगता है टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन हो सकते हैं बिग बॉस के अंदर? निम्रित, आप किसको देख रहे हैं? बिग बॉस के अंदर एक होता है कि लव स्टोरी चलाया जाती है, टीना और शालिन की जो चली, लेकिन अभी एक्सपोज हो गए शालिन, क्योंकि वो सभी गेम के लिए कर रहे थे। आप कितना बोलते हैं उसको लेके, अगर आप क्या कहना चाहोगे उसको लेके? नहीं देखे आपने? मतलब उनकी पूरी तरह से निकल आई, मतलब पूरी तरह बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू।